भारत में लाखों मंदिर है। हर मंदिर के बनने के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद यह मंदिर बेहद फेमस है। आज लाखों लोगों ने न केवल खाटू बाबा को मानते हैं, बल्कि हर मौके पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने से जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है, और आज तक कोई भी भक्त खाटू श्याम जी से निराश होकर नहीं गया है। खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी कई बातों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी रोचक और रहस्यमय राज जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अमेजिंग मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के समय में कई लोगों को खाटू श्याम मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं पता, या कि पूरे भारत में सीकर जिले में ही क्यों मौजूद है खाटू श्याम जी का मंदिर। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह सीकर में मौजूद खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से एक गाय गुजरी, उसके थन से अपने आप ही दूध बहने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई। राजा ने जब यहां आकर यह चमत्कार देखा तो राजा को याद आया कि उन्हें कुछ समय पहले एक सपना आया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि खाटू गांव में एक शीश दफन है, उसे निकलवा कर वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाओ और उस शीश को वहाँ स्थापित करो। जब राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई तो उन्हें वहाँ एक शीश मिला। बस जब से ही खाटू गांव में श्री कृष्ण का मंदिर खाटू श्याम जी के नाम से है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर कौन है खाटू श्याम जी। दरअसल खाटू श्याम बाबा महाभारत काल के समय में बर्बरिक के रूप में जाने जाते थे। वे तीन बाणधारी शक्तिशाली योद्धा थे। वो पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक की माता का नाम हिडिम्बा था। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अपने असली रूप में आने के लिए कहा, और जब श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरिक से शीश का दान मांगा तो उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना ही अपने शीश का दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। इसके अलावा खाटू गांव की एक और रहस्यमय बात है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसा कहा जाता है कि खाटू गांव में लोगों के बसने की और रुकने की क्षमता केवल 12,000 है, लेकिन आज के समय में यहाँ लाखों लोग बाबा श्याम के दर्शन कर जाते हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ में फिर भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती। आपको खाटू श्याम जी मंदिर के रहस्यमय और रोचक इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट अपने विचार बताना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।